दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटी ने आपका जो रिजल्ट था जारी कर दिया था, और जारी करने के कुछ समय पश्चात जो है या दूसरे दिन जो रिजल्ट था उसे वापस हटा दिया था। क्योंकि और साथ ही साथ दोस्तों जो है जो फर्स्ट अटैम्प का रिजल्ट था फिफ्थ और सेवन के साथ में जारी नहीं किया था, तो जो फर्स्ट सेम था उसका रिजल्ट उन्होंने जारी कर दिया था। लेकिन जो 3, 5, 7 का रिजल्ट था वो हटाया था, वो वापस उनने अपलोड कर दिया। और दोस्तों, अपलोड करने के साथ साथ आपको बता दें कि जो रिजल्ट अपलोड किए गए उन रिजल्ट में बहुत मतलब जो परसेंटेज आपको जो CGPA बना था उस CGPA को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। तो आप देखिए CGPA को किस प्रकार चेंज किया गया है, कितने लोगों का CGPA बढ़ा है और कितने लोगों का CGPA घटा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो CGPA है कितना रहा, जैसे कि देखते हैं जो CGPA, इस रिजल्ट का जो CGPA है आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस रिजल्ट का CGPA पहले 7.35 कुछ हुआ था, लेकिन अब इसका CGPA आप देख सकते हैं कितना दिखा रहा है। अब इसका CGPA जो आप देख सकते हैं 8 जो है CGPA कर दिया है दोस्तों। पहले इसका जो CGPA था वो 7.35 CGPA था, लेकिन इस CGPA को बढ़ा करके 8 कर दिया। मतलब यूनिवर्सिटी ने आपके जो रिजल्ट था उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी। बहुत सारे जो आपके नंबर से वो भी चेंज कर दिए, जैसे कि पहले जो नंबर देखा गया था यहाँ पर, ये जो क्रेडिट पॉइंट का नंबर पहले यहाँ पर जो था, ये नंबर पहले दोस्तों केवल 46 था, इसको चेंज करके 49 कर दिया गया है। ऐसे आपके रिजल्ट में जो केवल ये जो एग्रीकल्चर ट्रेड मार्केटिंग है, इसके जो नंबर, इसके रिलेटेड से आपके जो नंबर है बहुत सारों के चेंज कर दिए गए हैं दोस्तों। तो यदि आप भी 3, 5 और 7 सेम से बिलोंग करते हैं तो आप भी बहुत जल्दी आपका रिजल्ट चेक कर लीजिए, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस देखने को आपको मिलेगा। जैसे मैं कल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके एग्रीकल्चरल के जो BSc एग्रीकल्चर के एग्जाम्स होने वाले हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए, उनसे रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके।